अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 है कैलकुलस के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था पूरा कि प्री कैलकुलस, अगर आप कैलकुलस को देखो तो उसके अंदर दो पोर्शन है। नाम तो वैसे कैलकुलस का है लेकिन हम शुरू में काफी ज्यादा पोर्शन है प्री कैलकुलस का, जिसमें मेनली जो टॉपिक्स हैं वो फंक्शंस का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो काफी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तीन बड़े बड़े टॉपिक है जो प्री कैलकुलस में हमें कवर करने हैं। इनसे रिलेटेड काफी पॉइंट्स हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, सिर्फ शायद सुने हों या कुछ टॉपिक सुने भी नहीं होंगे। तो शुरू के लेक्चर्स में प्री कैलकुलस होगी, आपको कैलकुलस कहीं भी नजर नहीं आएगी, कहीं डेरिवेटिव कहीं इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ, ये नहीं आप कहना कि भाई ये कौन सा कोर्स है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप कैलकुलस स्टार्ट करना, वरना फिर वही बात है, कैलकुलस स्टार्ट करोगे आधी बातें क्लियर होंगी आधी नहीं क्लियर होंगी। तो प्रॉपर प्री कैलकुलस आपकी होनी चाहिए क्लियर, उसके बाद फिर आपने कैलकुलस पे जाना है। तो शुरू के आई डोंट नो कितने लेक्चर्स होंगे, 25, 30, 35 जितने भी हों, ये प्री कैलकुलस के ऊपर होंगे। तो जरा इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है आज के लेक्चर में वो है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रियल नंबर्स के बारे में पता होगा तो आप मजीद, फॉर एग्जांपल आप किसी फंक्शन के डोमेन लिख रहे हो, किसी फंक्शन की रेंज लिख रहे हो, तो रियल नंबर लाजमी इन्वॉल्व होंगे उसमें। रियल नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपल समझाने, अगर आपने समझनी है बात या किसी को समझानी है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस तो आपको प्रॉपर बुकिश मिल जाएंगे, लेकिन इसी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं कि जितने नंबर इस लेवल तक आपने देखे हैं आयोटा के अलावा वो सारे रियल नंबर्स हैं। आप लोगों के लेवल पे शायद ही कोई ऐसा नंबर हो जो रियल ना हो आयोटा के अलावा, वरना आप लोगों के लेवल पे जितने भी आपने नंबर देखे हैं, चाहे उसमें ई आ रहा है ऑयलर नंबर, चाहे उसमें पाई आ रहा है, चाहे उसमें कोई सर्ड्स आ रहा है रूट टू रूट थ्री ये सब आ रहे हैं, या गोल्डन रेशो है, जितने भी इरेशनल नंबर के आपने कांस्टेंट देखे ना, फेमस कांस्टेंट ऑयलर नंबर पाए या गोल्डन रेशो जो भी इस टाइप के हैं, जितने भी नंबर्स आपने देखे हैं वो सब रियल हैं सिवाय आयोटा के, आयोटा रियल नहीं है। तो एक तो समझने का तरीका है, एक इसकी वो प्लेटफॉर्म भी है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन जो है वो रियल नंबर होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। इसी तरह आप ये भी समझ सकते हो कि ऐसे नंबर जिनको आप डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो वो रियल है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर जो है, इंटीजर को आप डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 है, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5.0000। इसी तरह 5 को लिखने का एक और तरीका भी है 4.9999, और ये 9 अगर आपके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं ये भी 5 माना जाएगा। तो कहने का मतलब है इंटीजर हो गए, होल हो गए, जो दिखने में आपको डेसिमल लगते नहीं है लेकिन आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ डेसिमल। इसी तरह जो आपने फ्रैक्शंस देखी हैं डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती हैं, जितने इरेशनल नंबर देखे हैं सब डेसिमल के फॉर्म में। तो कहने का मतलब जो भी नंबर डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है वो रियल है। अब आयोटा को आप डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपने कभी भी आयोटा को डेसिमल के फॉर्म में नहीं देखा, ना उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो दैट्स व्हाई वो रियल नंबर नहीं है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है, आप अगर इसको फॉलो करोगे तो काफी आपको आसानी होगी, बाकी बुकिश डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। वो सेट के अंदर हम पढ़ लेंगे, सेट के अंदर काफी मशहूर सेट है ना, रियल नंबर रैशनल होल नंबर, उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा मजीद के रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो प्रॉपर डेफिनेशन इसी कर लेंगे। मेन आइडिया मैंने आप लोगों को क्लियर किया। अब रियल नंबर के अंदर कैटेगरी आप देखो तो दो ही कैटेगरी आपको नजर आती है, एक रैशनल नंबर होते हैं एक इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा नोट्स प्रॉपर मैं वो फॉलो नहीं करवाऊंगा, टाइम काफी उस पर लग जाता है, फिर जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आप लोग नोट करते जाना। तो अगर आप रैशनल नंबर की बात करो ना तो इसके अंदर आपको दो किस्म के नंबर मिलेंगे, एक होता है रैशनल, रियल नंबर की अगर आप बात करो तो एक रैशनल होंगे और एक जो है वो इरेशनल होंगे। अब ये बहुत ही मशहूर जमाना सवाल है कि रैशनल और इरेशनल के दरमियान फर्क क्या होता है। ओवरऑल मैं फर्क क्लियर कर देता हूं जल्दी में ताकि लिखवाने में टाइम जाया ना हो। भाई रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरीके से कि न्यूमरेटर में भी आपको इंटीजर नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आपको इंटीजर नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4/5, -3/2, -8/5, ये सारे रैशनल है क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने लिखा हुआ है। और दूसरी बात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, जैसे -8/5 में -8 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर। सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं होती कि फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि √2/3 को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आप इस नंबर को देखो √2/3, ये है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकिन इसका न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है। तो जहन में रखना ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर हो, उसको आप रैशनल नंबर्स कहते हो। अब रैशनल नंबर्स डिफरेंट किस्म के आपको आज तक नजर आए, नेचुरल नंबर जो है उनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 है, आप लिखो 2/1, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर है। होल नंबर्स आपके हैं, इसी तरह इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फिर आपने आगे जाके जितने फ्रैक्शन में नंबर्स आपने देखे
फोर अपॉन फाइव, ये सब क्या होते हैं? रैशनल होते हैं. फॉर अच्छा, अगर आपको कोई डेसिमल में मिल जाए तो याद रखना जो डेसिमल टर्मिनेटिंग हो, मतलब खत्म हो जाए, वो भी रैशनल है. फॉर एग्जाम्पल 0.15 खत्म हो गया, 0.234 खत्म हो गया, 1.896 खत्म हो गया, तो ये सब क्या होंगे? रैशनल होंगे. इसी तरह कुछ ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो खत्म तो नहीं होते लेकिन रिपीट हो रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.3333 और चलता जा रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट होता जा रहा है, तो दैट्स व्हाई ये भी रैशनल कहलाया जाएगा. और जरूरी नहीं है कि पॉइंट के फौरन बाद रिपीट हो. फॉर एग्जाम्पल कोई डेसिमल हो 1.34, उसके बाद पैटर्न रिपीट हो 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, तो 1.34, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, ये भी सब क्या कहलाए जाएंगे? रैशनल कहलाए जाएंगे. खत्म नहीं हो रहे लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं. ये सारे नंबर्स हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए रैशनल है. इसके अलावा अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 25 रैशनल है, क्योंकि 25 का रूट 5 होता है, 5 एक रैशनल है, तो ये सब रैशनल नंबर कवर हो जाते हैं. इरेशनल क्या है? इरेशनल की एक ही कैटेगरी है. इरेशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आप लिख सकते. इस तरह के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर, जैसे ये है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर नहीं बना सकते आप. या तो डिनोमिनेटर इंटीजर है, अगर आप रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो न्यूमरेटर इंटीजर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नहीं रहेगा. बैक वक्त आप दोनों को इंटीजर नहीं बना सकते. तो ऐसे नंबर्स इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिख रहे होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल की फॉर्म में लिख रहे होते हैं क्योंकि फ्रैक्शन पर इस टाइप की अजीब सी बनती है. तो जब भी आपको अगर फ्रैक्शन फॉर्म भी आ जाए तो आप पहचान लेना, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई इंटीजर नहीं है तो तब भी वो इरेशनल नंबर है, या ज्यादातर ये डेसिमल की फॉर्म में आ रहे होते हैं. तो ऐसे डेसिमल जो ना रिपीट हो, जो ना खत्म हो, वो इरेशनल होते हैं. कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उनको आप बोलोगे इरेशनल नंबर्स हैं. अच्छा, कुछ डेसिमल्स काफी देर बाद रिपीट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया 1.35678910 अभी तक रिपीट नहीं हुए, 10 नहीं खाएगा या 10 आप कह लो, उसके बाद फिर आ रहा है. मतलब पॉइंट के बाद फॉर एग्जाम्पल 10 डेसिमल रिपीट नहीं हो रहे, उसके बाद रिपीटेशन हो रही है, तो वो भी रैशनल कहलाया जाएगा. अगर रिपीटेशन हो रही है वो रैशनल है, और अगर पूरी रिपीटेशन नहीं हो रही तो उसको आप क्या बोलोगे? और खत्म भी नहीं हो रहा तो वो इरेशनल नंबर होगा. बहुत मशहूर इरेशनल नंबर आपने पढ़े पाए जो है, बहुत मशहूर इरेशनल नंबर है. इसी तरह ई ऑयलर नंबर कैलकुलस में काफी आता है, एक इरेशनल नंबर है. इसी तरह गोल्डन रेशो, 5 से आप लिखते हो 1.6 समथिंग उसकी वैल्यू होती है, वो भी एक इरेशनल नंबर है. इसी तरह जितने भी सर्ड्स होते हैं, सर्ड्स SURDS, सर्ड्स वो होते हैं जो रूट के अंदर लिखे होते हैं जिनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सारे इरेशनल नंबर्स हैं. तो ये एक मेन मेन कैटेगरी मैंने आप लोगों को बता दी. रैशनल नंबर के अंदर मैंने बता दिया नेचुरल होल, ये सब नंबर आ जाते हैं इसके अंदर. तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई है. ट्री डायग्राम मुझे बनानी थी लेकिन मैंने आप लोगों को बात क्लियर कर दी है कि रैशनल के अंदर फिर नेचुरल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे, फ्रैक्शन आ जाएंगी, इंटीजर ये सब आ जाएंगे. तो ये खुद आप लोग नोट कर लेना अपने पास. अच्छा, एक लाइन यूज करते हो आप, रियल नंबर लाइन, इसके बारे में आपको पता होगा. रियल नंबर लाइन आप इस टाइप की यूज करते हो. एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो रियल, ये आपको डोमेन रेंज निकालने में काफी आप यूज करते हो इसका कॉन्सेप्ट. तो इसमें होता है कि आप एक लाइन बना रहे होते हो, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रही होती है और यहां से नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा रही होती है, ठीक है. दरमियान में हम लेते हैं 0. इस पूरी लाइन पे आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है. हर अच्छा रियल नंबर जो है वो बहुत ही बड़ी इंफिनिटी है. अब देखो नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है, लेकिन नेचुरल नंबर और रियल नंबर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. तो सिर्फ इंफिनिटी को आप इससे लिखते हो लेकिन इंफिनिटी का साइज जो है वो सेम नहीं होता. नेचुरल नंबर एक अलग साइज की इंफिनिटी है, रियल नंबर एक अलग साइज की इंफिनिटी. क्यों? क्योंकि अगर आप कोई दो नेचुरल नंबर लेते हो ना, उसके अंदर ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं. फॉर एग्जांपल आप 1 और 2 नेचुरल नंबर लेते हो, 1 और 2 के दरमियान ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं. आप बनाते जाओ जितने बनाने, डेसिमल्स खत्म नहीं होंगे कभी भी. तो सिर्फ दो नेचुरल नंबर के अंदर इनफाइनाइट हैं, तो सोचो कितने इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं. तो कहने का मकसद है कि ये इन्फिनिटी तो है लेकिन ये बहुत बड़ा इनफाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट को भी काउंट करने का एक तरीका होता है, एलएफ नॉट आप यूज कर रहे हो तो, अगर शौक हो तो आप लोग गूगल यूज कर रहे हो. वो बेसिकली होता है कि आपने जो इनफाइनाइट है ना, उनको भी काउंट करने का एक नोटेशन हमने बनाई हुई है. एलएफ नॉट 1 होगा कि जो बड़ा सेट है उसको बड़ा नंबर देंगे. पर वो थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो आप लोग जाके देख लेना. तो रियल नंबर लाइन में आप 0 के बाद जो पॉजिटिव नंबर है वो यहाँ पे आप पुट कर रहे होते हो, जो नेगेटिव नंबर है वो यहाँ पे पुट कर रहे होते हो. तो ये बेसिक सी बातें थी जो रियल नंबर के अंदर मैंने क्लियर कर दी हैं. अब अगर एक टॉपिक रियल नंबर में आता है, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो बेसिक टॉपिक है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा. इंटरमीडिएट की बुक में भी होगा आप लोगों के, बाकी मैंने यूट्यूब पे इंटरमीडिएट के लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, तो वहां पे भी आप प्रॉपर्टीज समझ सकते हो. तो अगर आप प्रॉपर्टीज की बात देखो ना, तो प्रॉपर्टीज काफी प्रॉपर्टीज आपने रियल नंबर की देखी होंगी. कम्यूटेटिव आ जाती है, एसोसिएटिव आ जाती है, और आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लीकेशन में 1 होती है वो, इसी तरह इनवर्स आ जाता है,
इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इनको क्लियर नहीं करवाऊंगा, ऑब्वियसली वो लेवल नहीं है। अगर आपको शौक हो तो मैंने जो वीडियो प्रॉपर्टीज की है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन की हुई, अगर आपको शौक हो तो आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा कुछ आपकी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज, ये भी देख लेना। कुछ ऑर्डर प्रॉपर्टीज होती हैं, इन इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज होती हैं रियल नंबर के अंदर, उसको भी आप लोग जाके देख लेना। तो ये सब बातें जो है ये बहुत ही इंटरमीडिएट लेवल की हैं, इसको आप लोग जाके देखना और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेना। इसके अलावा प्रॉपर्टीज में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहते हैं। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है कि फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर जो है वो कंप्लीट नंबर है, कोई गैप नहीं है, कोई होल नहीं है। अगर आप यहां पे देखो तो अच्छा, इसकी एक टेक्निकल समझाने का तरीका भी होता है, वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी से आप समझाते हो, उसमें मैं जाना चाह नहीं रहा, बहुत ही एक्स्ट्रा टॉपिक बन जाएगा फिर ये। लेकिन जो रियल नंबर इनको आप कंप्लीट भी कहते हो, सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट का मतलब कोई होल कोई गैप नहीं है। लेकिन अगर आप रैशनल नंबर्स को देखो तो रैशनल नंबर कंप्लीट नहीं है। रैशनल नंबर की अगर आप एक लाइन बनाओगे तो दरमियान में गैप्स आएंगे, रूट टू के ऊपर गैप आ जाएगा, पाई के ऊपर गैप आ जाएगा, मतलब नंबर चल रहे होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपने 3.1 लिखा, 3.2 लिखा, 3.1 के बाद भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, 3.12, 3.122। कहने का मतलब ये कि दरमियान में कैसा नंबर आएगा, पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14 समथिंग कुछ वैल्यू है, उस पर एक होल आ जाएगा क्योंकि पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। इसी तरह ई के ऊपर एक लाइन में गैप आ जाएगा। तो रैशनल नंबर जो है वो कंप्लीट नहीं है, जबकि रियल नंबर जो है वो कंप्लीट है, कोई होल कोई गैप नहीं है, एक कंटिन्यूस आपको नंबर्स मिलेंगे इसके अंदर। बाकी अगर मजे समझ रहे हैं तो आप लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होती है जिससे हम समझाते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को, तो चाहो तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। तो बच्चों बेसिक जो बात थी रियल नंबर की वो मैंने क्लियर कर दी है। अब आ जाओ आप सेट के ऊपर, बेसिक से सेट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सेट क्या होता है, क्या सारे कॉन्सेप्ट है सेट के अंदर। सबसे पहली बात, सेट होता क्या है? सेट आपने कुछ नंबर्स की कलेक्शन होती है, और वो नंबर्स भी हो सकते हैं किसी के नाम भी हो सकते हैं, डिफरेंट बातें हो सकती हैं, शहरों के नाम, प्लेयर्स के नाम, टीम्स के नाम, कुछ भी हो सकते हैं। नंबर्स आप ले लो, अल्फाबेट्स ले लो आप, लेकिन याद रखो जो सेट है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए कैपिटल बी से आपने रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन अगर सेट के अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ए बी सी डालनी है, तो फिर स्मॉल लेटर से आप लिखते हो। तो स्मॉल लेटर से लिखोगे अगर एज अ एलिमेंट आप लिख रहे हो अल्फाबेट को, और अगर एज अ नाम दे रहे हो सेट को तो कैपिटल से आप नाम देते हो उसको। पर तो सेट बेसिकली कलेक्शन होती है जिसके अंदर दो पॉइंट होते हैं कि ऐसी कलेक्शन है जो वेल डिफाइन हो। फॉर एग्जाम्पल सेट की एक फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर आप सेट को डिफाइन करो तो वेल डिफाइन हो, उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? तो कोई इंटेलिजेंट क्या आएगा जिसके नंबर अच्छे हैं, कोई इंटेलिजेंट क्या आएगा कि यार जिसने क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये जो सेट होगा ये एम्बिग्यूटी आ जाएगी इसके अंदर, क्लियर नहीं होगा। इसी तरह सेट ऑफ गुड स्टूडेंट, क्लियर नहीं है गुड का मतलब क्या है, किस हिसाब से आप गुड कह रहे हो। तो वेल डिफाइंड सेट वो होगा कि आपको एक्जैक्टली बताया जाए, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका वेट जो है वो 50 kg है। अबे जिनका 50 kg होगा वो सेट के अंदर आएंगे, जिनका 49.9 भी होगा वो सेट के अंदर नहीं आएंगे। तो ये वेल डिफाइंड सेट है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सेट के अंदर आप रिपीटेशन नहीं कर सकते कि आपने एक सेट लिखा 1, 2, 3 और दोबारा 2 लिख दिया, नहीं वो सेट नहीं कराया जाएगा। सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो ये कलेक्शन होती है जिसके अंदर ये दो पॉइंट होते हैं, उस कलेक्शन को आप क्या बोलते हो? सेट बोलते हो। लिखने का तरीका मैंने बता दिया कि आप इसको रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल लेटर ए से, ठीक है, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, आप कोई भी एलिमेंट जो है वो लिखते हो। अगर इनफाइनाइट सेट है तो आप ये 3 डॉट लगाते हो, ये डॉट 3 लगाने होते हैं, मजा आ रहा होता है तो हम ज्यादा डॉट लगा देते हैं, इसको इलिप्सिस कहते हैं। तो डॉट लगाते हो अगर वो इनफाइनाइट है, लेकिन कभी कुछ होता है वो इनफाइनाइट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, अब 100 नेचुरल नंबर लिखोगे तो ही ना, तो आप शुरू के 3 लिखते हो, बाकी एंड के आप 1-2 लिख दो, दैट्स इट, तो तब भी डॉट इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से आप सेट को लिख रहे होते हो। सेट के अंदर मेन बात जो आपको कैलकुलस में भी हेल्प करेगी वो सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स काफी काम आ रहे होते हैं सेट के अंदर, कौन कौन से आप सिंबल यूज कर रहे होते हो। तो सिंबल्स तो काफी है मेरे पास, लिखे हुए तो नहीं है, लेकिन जो मेरे जहन में है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सिंबल्स आप लोगों को लाजमी याद होने चाहिए, कुछ बहुत ही मशहूर सिंबल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला सिंबल जो है वो ये आपको नजर आएगा, ये आपको थोड़ा स्टाइलिश ई होता है, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। मतलब उसी वक्त समझ आएगा जब आप सेट बिल्डर रिलेशन पढ़ोगे, तब आपकी बातें समझ आएंगी इनके मतलब कहां पे यूज हो रहे हैं। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। इसी तरह ये सिंबल जो है ये एम्प्टी सेट के लिए आप यूज करते हो, ग्रीक लेटर फाय है। इसी तरीके से अगर ये सिंबल यूज होगा तो भाई ये सबसेट के लिए यूज होता है। अगर नीचे लाइन ना हो तो फिर ये प्रॉपर सबसेट हो जाता है। अच्छा, अगर आपके पास ये वर्टिकल लाइन लगी हो इस तरीके से तो इसको सच दैट कहते हैं। ऑब्वियसली इसकी मतलब आप लोगों को सेट नहीं समझ आएगा, तो सच दैट इसका मतलब होता है। इसी तरह ये उल्टा ए होता है, इसको आप कहते हो फॉर ऑल, ये हो जाता है।
इसी तरह ये जो उल्टा ई होता है इसको आप कहते हो देयर एग्जिस्ट, ये भी होता है। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट है उसके ऊपर सी लिखा हुआ है तो उसको आप कॉम्प्लीमेंट कहते हो, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट ये हम पढ़ेंगे। इसी तरह ये तो काफी यूज होता है एन ए, एन ए भी कह देते हैं या कभी ओ ए भी कह देते हैं इसको, या कभी ये मॉड ए भी कह देते हैं। अब देखो मेरी टीचिंग में मैं पहले क्लियर करता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है, आप किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल ले लो, ये मॉड ए लिखा हुआ है, अब यहाँ पे इसके मतलब डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट ना दूं ना कि मैं टॉपिक ये चीज जो है मैं किस टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, तो इसके मतलब डिफरेंट बन सकते हैं। अगर ए जो है वो एक सेट है तो इसका मतलब बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये इस नोटेशन का मतलब बनेगा। अब अगर ए जो है ये कोई वैल्यू है तो उसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, मतलब अगर ए नेगेटिव है तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा, ए अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रहने देगा। अगर ए जो है वो मैट्रिक्स है तो ये कहेगा कि इसका डिटरमिनेंट बताओ। अब देखो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता जा रहा है, अगर ए मैट्रिक्स है तो अब इसी सिंबल का मतलब क्या बन गया कि मुझे डिटरमिनेंट बताओ। अच्छा जी कोई और मतलब इसका हो सकता था, मेरे ध्यान से निकल गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कि एक ही चीज है लेकिन डिफरेंट टॉपिक में उसके मतलब जो है वो डिफरेंट बन जाते हैं, तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। और भी मतलब हो सकते हैं इसके, मेरे जहन में नहीं आ रहे। बहरहाल तो ये एन ए लिखा जाए, ओ ए लिखा जाए, या मॉड ये जो वर्टिकल बार लगा के ए लिखा जाए, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये काफी मशहूर नोटेशंस हैं जो आपको काफी नजर आ रही होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं, बाकी आप लोग सर्च करना, मजीद बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स का मतलब सबसे मशहूर नंबर जो आपने पढ़े हैं उनके सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी आपके पास कोई सवाल आ रहा होता है उसमें लिखा होता है एक्स बिलोंग्स टू एन, अब एन क्या होता है, तो ये मशहूर जो है मैं इनके सिंबल भी बता देता हूँ क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर को आप एन से लिखते हो, ठीक है, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वन टू थ्री और ऑनवर्ड ये सब चल रहे होते हैं, तो ये क्या हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल लिख के खत्म करते हैं। अच्छा उसके बाद आपको होल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। अच्छा इसमें इख्तलाफ है, कहीं आप देखोगे कि नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को शुमार किया होता है, कहीं जीरो को शुमार नहीं किया होता, लेकिन होल नंबर्स ज्यादातर मैंने देखा है होल नंबर्स के अंदर जीरो आता है, नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, लेकिन इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है। बारह ये डिपेंड करता है आप किस बुक को फॉलो कर रहे हो, तो आप उस बुक के हिसाब से चलो। इंटीजर में आमतौर पर स्टूडेंट समझते हैं कि आई लिखते हैं, आई नहीं होता, इंटीजर का सिंबल जेड होता है, तो याद रखना जहां पे भी आपके पास जेड आ रहा है तो समझ जाना। अभी वो छोटी छोटी बातें जो आपको कैलकुलस में कहीं ना कहीं आ जाएंगी कि यार इस फंक्शन की डोमेन फॉर एग्जांपल बिलोंग्स टू जेड है, अगर जेड वाला कॉन्सेप्ट आपने सेट के अंदर पढ़ा था तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी। अब इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं, मैं इस तरह प्रेफर करता हूं इंटीजर्स को लिखना कि आपके पास नेगेटिव नंबर्स आ गए, आपके पास जीरो आ गया और आपके पास सारे पॉजिटिव आ गए, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में कोई डेसिमल नहीं है, बस आपको इस टाइप के होल नंबर मिलेंगे। अब आप कह लो होल नंबर है और साथ नेगेटिव नेचर नंबर है, इस तरह भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को आप क्यू से लिखते हो। अब वही बात है, रैशनल नंबर जो है वो बहुत बड़ा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट तो ये भी है लेकिन इनको लिस्ट कर सकते हो आप, रैशनल नंबर को लिस्ट नहीं कर सकते आप। रैशनल नंबर हो गए, इरैशनल नंबर हो गए या रियल नंबर हो गए, आप इनको लिस्ट नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई फिर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होती है जो सिंबल्स के जरिए से आप समझा रहे हो उसको, लिस्ट नहीं आप इनको कर सकते। तो किस तरह हम समझाते हैं, हम समझाते हैं कि जो रैशनल नंबर है ये एक्स है। अब x ऑब्वियसली ज्यादा एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट भी हो सकता है, ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रैशनल नंबर में तो ज्यादा ही होंगे ना। तो आपको बताया जाता है कि रैशनल नंबर जो है उसके अंदर x एलिमेंट्स हैं, फिर x के बारे में बताया जाता है कि सच दैट x इक्वल टू p अपॉन q, मतलब जो भी x यहां पे है उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें p और q जो है इसके आगे हम ये लिखते हैं फॉर ऑल, मतलब फॉर ऑल p और q, कोई भी आप p और q की वैल्यू लो वो बिलोंग करेगी इंटीजर से, असल इसका ये सिंबल होता है, वो बिलोंग करेगी इंटीजर से, और इसमें क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। ये जो पूरी फॉर्म है ये फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को आप इस तरह लिख रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को क्यू प्राइम भी लिखा जाता है या आई से भी लिखा जाता है, कोई भी नोटेशन यूज हो सकती है। इसके अंदर होते हैं एक्स सच दैट x जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस तरीके से कि जिसमें p और q दोनों इंटीजर हो, वैसे तो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो लेकिन इस तरीके से नहीं लिख सकते कि जिसमें p और q इंटीजर हो, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आप इरेशनल नंबर को इस तरह नहीं लिख सकते।
और क्यू ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो, जो पूरी बातें लिखी है। बस इसमें फर्क ये इक्वालिटी है, इसमें मतलब इक्वालिटी नहीं है, ये हो जाएगा इरेशनल। और सिंपल अगर आप रियल नंबर की बात करो, रियल नंबर को थोड़ा स्टाइलिश करके लिखा जाता है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, दो तरीके से आप लिख सकते हो, रैशनल और इरेशनल का यूनियन, इस तरह भी आप कह सकते हो। या अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह बात लिखी जाती है कि x such that x equal to p upon q, मतलब इसमें ऐसे x हैं जिसमें जिसको आप p upon q की फॉर्म में लिख सकते हो, और ऐसे भी x हैं जिसको आप p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब रैशनल भी आ गए इसके अंदर और इरेशनल नंबर भी आ गए। और बाकी वही बातें, फॉर ऑल p q belongs to integer and q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये जो है ये कहलाता है रियल नंबर्स का सेट। अच्छा, रियल नंबर को लिखने का एक और तरीका होता है, आप सिंपल लिखो q यूनियन q प्राइम, मतलब रैशनल नंबर, अगर आपके पास एक रैशनल नंबर का सेट है, आपके पास इरेशनल नंबर का सेट है, अगर इस वाले सेट और इस वाले सेट को एक बड़े सेट के अंदर लिख दोगे तो वो जो बड़ा सेट है वो क्या कहलाया जाएगा, वो रियल नंबर्स का सेट कहलाया जाएगा। तो इस तरह भी आप रियल नंबर्स को लिख सकते हो। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे जाके आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो रियल नंबर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, सेट सेट क्या होता है, सब चीजों की। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइप होती है सेट के अंदर, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेट तो बहुत ज्यादा है, 20-25 आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाई जाती है, लेकिन अभी ये लेवल नहीं है कि जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट बताने लगूं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक वीडियो है टाइप्स ऑफ सेट की, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो मैं मेंशन कर दूंगा। अगर आपको शौक हो तो आप लोग टाइप्स ऑफ सेट, अगर किसी के वीक है तो आप देख सकते हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेट है ना, जिनकी टाइप्स जो काम आएंगी, वो दो तीन है, वो मैं आप लोगों को अभी से क्लियर कर देता हूं कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सबसेट आ रहा होता है। अब सबसेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सेट ए को आप बी का सबसेट उस वक्त बोलोगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी के अंदर मौजूद हो। सेट ए के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 1, 2, 3 है जो कि बी के अंदर भी मौजूद है, तो आप कहोगे सेट ए जो है वो सबसेट है बी का। और अगर सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद हो प्लस बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद हो, तो फिर आप बोलोगे ए जो है वो सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट है बी का। तो सबसेट और सबसेट और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बता दी। फिर एक इम्प्रॉपर भी होता है, बाकी बात आप लोग जाके देख लेना। इसके अलावा एक मशहूर सेट होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जो ऐसे दो सेट जिनके दरमियान कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन नहीं है उनके दरमियान। फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर 1, 2, 3 है, सेट बी के अंदर 4, 5, 6 है, कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन इनका एम्प्टी होगा पूरा, तो इन दो सेट को आप बोलते हो डिसजॉइंट सेट। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे सेट जो आपने कंसीडर किए हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। यूनिवर्सल सेट को आप कैपिटल यू से भी लिखते हो या कभी एक्स से भी आप लिख रहे होते हो। अच्छा, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट कोई है, पावर सेट होता है। पावर सेट में क्या होता है कि अगर कोई एक सेट है उसके आप सबसेट निकालते हो, उन सबसेट को आप एक बड़े सेट में लिखते हो, उस बड़े सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो बाकी बातें जो है जो आप लोग जाके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेशंस का टॉपिक बड़ा होता है, ये टॉपिक से मैंने करवाए नहीं है लेकिन जाके आप देख लेना, बेसिक बातें हैं सारी। ऑपरेशंस आपने याद रखने सेट के अंदर, कुछ ऑपरेशंस तो काफी इजी हैं समझने के लिए, कुछ थोड़े मुश्किल होते हैं, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। सबसे चार ही ऑपरेशन है जो आपने सीखने होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यूनियन क्या होता है भाई, यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, इस सेट के एलिमेंट्स और दूसरे सेट के एलिमेंट्स कंबाइन लिखते हो, वो जो एलिमेंट्स आते हैं, वो जो सेट बनता है उसको आप कहते हो यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, आप दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिख रहे होते हो। फिर एक तीसरा होता है डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट आप कर रहे होते हो, तो ये भी एक ऑपरेशन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ए माइनस बी करना है, तो जो पहला सेट, अगर फॉर एग्जांपल ए माइनस बी करना है ना, तो ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद है उनको आप कैंसिल कर देते हो, तो जो रिमेनिंग ए के एलिमेंट होते हैं ना वो आपका आंसर होता है। चौथा ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट होता है। किसी भी सेट का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप उसको यूनिवर्सल से माइनस करते हो, है ये भी डिफरेंस ही, लेकिन माइनस ही डिफरेंस ही निकाल रहे होते हो आप इसको कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी। तो अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, और जब यूनिवर्सल माइनस ए का तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि वही जो यूनिवर्सल के अंदर एलिमेंट है जो ए के अंदर भी मौजूद है उनको आप यूनिवर्सल से कैंसिल कर देते हो, तो जो रिमेनिंग यूनिवर्सल में एलिमेंट होंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। एक और ऑपरेशन, आखिरी ऑपरेशन जो आपको पता होना चाहिए, जो फंक्शन से भी आगे रिलेट कर रहा है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेट है, मैं लिख देता हूं ऊपर, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल 3, 4, और आपको बोला जाए कि आप ए क्रॉस बी निकालो,
अब ए और बी अगर वेक्टर होते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता, लेकिन ए और बी यहां पे सेट को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स जो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। किस तरह आते हैं? आप बेसिकली मल्टीप्लाई करते हो लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन आप लिखोगे 1, 3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। बेसिकली आप सेट ए के एलिमेंट को बी से रिलेट कर रहे होते हो कि 1 को रिलेट कर रहे हो 3 से, इसी तरह 1 को रिलेट करोगे 4 से, ठीक है, उसके बाद 2 को रिलेट करोगे 3 से तो 2, 3 हो जाएगा, इसी तरह 2 को रिलेट करोगे 4 से ये 2, 4 हो जाएगा। तो ये जो है ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। बेसिक सी बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब आप ए क्रॉस बी निकालो ये अलग बात है, बी क्रॉस ए निकालो ये अलग बात है। क्यों? ए क्रॉस बी में सब ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप देखो पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है, तो अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो पहला एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग कर रहा होगा। बाकी आप लोग जाके देखना, मेरा काम था ये थोड़ा फंक्शन से रिलेटेड बात थी, दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को थोड़ा करवा दिए। बाकी आप लोग वो लेक्चर देख लेना, टाइप्स के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद प्रॉपर्टीज होती हैं सेट की, ये भी आपको इंटरमीडिएट बुक में मिल जाएंगी। बहुत मशहूर दो प्रॉपर्टी हैं जो आप लोगों की कोर्स आउटलाइन में भी मेंशन की हुई थी उन्होंने, वो डी मॉर्गन लॉस थे। तो जरा इन दो लॉस को मैं लिखवा देता हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज आप लोग देख लेना जाके। डी मॉर्गन लॉ सेट में यूज होता है और ये होते क्या है, बहुत ही ईजी है। डी मॉर्गन लॉ ये आपके पास कि अगर आपने एक ए और दूसरा सेट बी है, इसका आपने यूनियन निकाला और यूनियन निकालने के बाद आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट के लिए प्राइम का सिंबल भी आप यूज करते हो, तो ये किसके बराबर होता है? बराबर होता है कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट लो, आप बी का कॉम्प्लीमेंट लो और इनका आप इंटरसेक्शन ले लो। यहां पे यूनियन लिया था, वहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो एक ये भी डी मॉर्गन लॉ होता है, और दूसरा डी मॉर्गन लॉ ये है कि अगर आपने ए और बी का इंटरसेक्शन लिया और फिर कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट के, बी कॉम्प्लीमेंट के, और इसका आप क्या ले लोगे, यूनिवर्सल सॉरी यूनियन ले लोगे। तो ये दो डी मॉर्गन लॉज है, ये भी आपको बताने चाहिए।